नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को देखते रहें और न्यूज सुनते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब कर मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के बेल आइकन, मुझे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे है उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है Xiaomi के Mi 7 वाले वर्जन की, जो कि कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। कहाँ पर होगा लॉन्च, शायद सबसे पहले ये चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद पता नहीं कब जाके जो है इंडिया का यहाँ पर नंबर आएगा। तो इसमें जो है बेजेलेस डिज़ाइन जो है यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मिक्स 2 के अंदर है। नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी बेजेल मिलेगी, उसी के अंदर आपको शायद ड्यूल कैमरा का सेटअप इसमें मिल सकता है। कुछ हिंट वगैरह यहाँ पर निकल के आई हैं तो सोचा आपको बता दूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है Meizu 15 प्लस की तरफ से। इसकी भी कुछ रेंडर और लीक्स निकल के बाहर आई है। ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से दिखने वाला है, जैसा कि Xiaomi के कुछ मोबाइल निकल के आए थे उसी की तरह का यह डिज़ाइन है। और आजकल जो है काफ़ी सारी कंपनीज आईफोन X के डिज़ाइन के पीछे यहाँ पर पड़ी हुई हैं, उस जैसे मोबाइल जो है यहाँ पर बनाने में अपना समय मतलब लगा रही हैं। कुछ एडवांस निकल के आता है तो ठीक है हमारे लिए, तो हमारे तो पैसे लगते हैं, हमें कुछ एडवांस मिल जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने जो यहाँ पर पेटेंट किया है S Pen प्लस फिंगरप्रिंट इनपुट, दोनों को यहाँ पर जो है सैमसंग ने पेटेंट किया। अब S Pen के अंदर हो सकता है जो कि नोट 9 निकल के आएगा उसके अंदर जो S Pen होगा उसके अंदर फिंगरप्रिंट कुछ इसके अंदर रीडर जो है सैमसंग यहाँ पर लगा दे, और उस पेन को पकड़ने के बाद जो है आप कुछ काम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इमेज हमारे पास यहाँ पर निकल के आई थी, उसी के चलते जो है ये लीक जो है बन के यहाँ पर निकल के आई। अगर हो सकता है, कोई बड़ी बात ये भी नहीं है, क्योंकि S Pen के अंदर काफ़ी सारी खाली जगह होती है, तो उसके अंदर एक सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर लगाया जा सकता है। कुछ एडवांस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी जो ऐसा कर सकती है। अभी कुछ लीक्स निकल के आई है, नेक्स्ट अपडेट में देखते हैं और कोई न्यूज़ निकल के आती है तो। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सोनी एक्सपीरिया XZ प्रो की तरफ से। 4K OLED डिस्प्ले की होने की जो है इसमें पूरी की पूरी यहाँ पर संभावना बता दी गई है। इसके अंदर 4K OLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, जो कि 4K रिजोल्यूशन को जो है सपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ जो इसमें कैमरा का सेटअप मिलेगा वो भी 4K रिकॉर्डिंग करने में मतलब ठीक होगा। 60 फ्रेम पर सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है, 4K रिकॉर्डिंग आपको करके दे देगा। स्लो मोशन वाले वीडियो भी आप इस कैमरा से जो है बना सकेंगे। अब कौन सा जो है इसमें कैमरा निकल के आएगा ये बाद में देखते हैं, कभी अगर कोई अपडेट यहाँ पर निकल के आती है तो। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है नॉर्वे की तरफ से। नॉर्वे यहाँ पर चाहता है कि फ्लाइंग जो एयरप्लेन है जो कि हवा में उड़ती हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट्रिक कर दी जाए। अब 2040 का नॉर्वे का यही प्लान है, इसके ऊपर जो है डेवलपिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। 2040 तक का जो इसमें टारगेट रखा हुआ है कि 2040 आते आते यहाँ पर जो फ्लाइंग या फिर जो भी फ्लाइंग होंगी, जैसे कि फ्लाइट बड़ी सी एक फ्लाइट है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया बनाकर ही, वैसे ओरिजिनल फ्लाइट तो नहीं है बनाई हुई है, लेकिन इस प्रकार की कुछ फ्लाइट्स होंगी जिनके पंख के ऊपर यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए होंगे, और ये फ्लाइट जो है टोटल इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक मोटर बेस के ऊपर चलने वाली है फ्यूचर में। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है Honor 9 Lite की तरफ से। 150 पीस जो है मतलब एक सेकेंड के अंदर ऑर्डर या फिर सोल्ड आउट हो गए फ्लिपकार्ट के ऊपर। मतलब एक अच्छा फ़ोन था ये और बजट फ़ोन भी था, तो उसके चलते जो है काफ़ी जल्दी ही स्टॉक आउट जो है इसका हो गया। अब कंपनी बोल रही है जल्दी से और मोबाइल यहाँ पर चाहिए, क्योंकि जो फ्लैश सेल लगी हुई है अभी 26 जनवरी के ऊपर वो ख़त्म होने से पहले और ज़्यादा यहाँ पर मोबाइल जो है सेल करने की यहाँ पर कुछ बात हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है Acer Predator की तरफ से, जो कि Helios 300 गेमिंग लैपटॉप है। मॉडल नंबर लगभग 62,990 रुपये में आप जो है इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो अभी ये ऑफर चल रहा है 62,990 या फिर 63,000 रुपये मान के चलिए, इतने रुपये के अंदर आप ये Predator Helios 300 गेमिंग लैपटॉप है जो आप ले सकते हैं, जो कि टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सपोर्ट करता है और काफ़ी हैवी जो है गेमिंग लैपटॉप है। ये नहीं कि आप इसमें गेम ही खेल सकते हैं, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आप एडवांस लेवल की एडिटिंग के लिए ये जो लैपटॉप आप ले सकते हैं। इसमें जो हैवी जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे सोनी वेगास प्रो है, प्रीमियम प्रो, CC 2018-17 जो भी है डोब वाले, और आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जो है, इन्हें काफ़ी हैवी जो है यहाँ पर CPU या फिर बंडल की ज़रूरत होती है, तो उसके चलते लैपटॉप जो एकदम सही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है एक मिडी रिंग आलो म्यूजिशियन की तरफ से।
हैं, मतलब ये अलाउ कर देती है म्यूजिशियन को। अब जैसे कि ये बजाते हैं कुछ है, मुझे तो ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़ निकल के आई तो सोचा बता दूँ। ये भी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकल के आई है। ये मॉड्यूलेट वगैरह बनाते हैं कुछ है, मतलब धुन वगैरह बनाते हैं अपने सॉन्ग्स वगैरह की। अब ये इस रिंग को पहन कर, मतलब इस रिंग के अंदर टोटल जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ये रिंग जो है अगर हवा में ऐसे ऐसे पहन के मतलब हाथ को हिलाते हैं तो नई नई धुन जो है पैदा होती चली जाएंगी। इसकी एक अलग से डिवाइस आती है, उससे कनेक्ट रहती है लगातार, तो उसके चलते ये काम यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर 9 और सिटीज़ को जो है डेवलप करने की यहाँ पर बात हो रही है। स्मार्ट सिटी जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, तो मिशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो इन सिटीज़ को डेवलप करने में लगभग 98,000 करोड़ रुपये का जो खर्चा आएगा। कुछ सिटीज़ जो यहाँ निकल के आए उनके नाम आपको बता देता हूँ। एक तो बरेली है जो कि मुरादाबाद और सहारनपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक एरोड है तमिलनाडु के अंदर है। और अगली यहाँ पर निकल के आती है बिहार के अंदर शरीफ। और अगली यहाँ पर निकल के आती है ये सिलवासा है, दादरा एंड एक नागर हवेली। ये जो सिटीज़ हैं इनको यहाँ पर डेवलप करने की यहाँ पर कुछ बात हो रही है। एक दीव है दमन के अंदर है, मतलब दीव के अंदर, दीव इन दमन यहाँ पर बताया गया है। अगली यहाँ पर है कवरट्टी लक्षद्वीप के ऊपर यहाँ पर बताई गई है। और नेक्स्ट यहाँ पर और आखिरी शायद ये है इतनगढ़ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये सब सिटीज़ हैं, ये सब यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। इन्हें जो है स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनाया जाएगा काफ़ी खर्चा करके। दोस्तों सॉरी थोड़ी सी जो है ये थोड़े से मतलब हार्ड नेम है, तो मैंने कुछ से ठीक से यहाँ पर नहीं पढ़ पाया, कुछ अजीब से नेम है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो भी इसी प्रकार की होती है, वैसी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके चलते मैं थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। इतनी सारी न्यूज़ थी आज की, शायद कुछ अपडेट मिली होगी, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने इस वीडियो में भी आपको दी होगी। कुछ न्यूज़ अपडेट से आप फिर से आज अपडेट हो गए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, ऐसे वीडियो रोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। और वीडियो को जो एक लाइक यहाँ पर कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी पता चले हम भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।